तो हेलो हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आटो राजकुमार। तो कैसे आप, आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज को एक चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों, मैं भी हैरान हूँ और ये आदमी किस टाइप का है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। जो कारोबार नहीं है, कार का कारोबार ही नहीं है, और कार वाले को जो ऑटो के प्राइस दे रहा है, आपको दिखाता हूँ उसमें उसके जो उसकी जो 20 किलोमीटर की ट्रिप की थी दोस्तों उसने, उसमें उसको 280 रुपये दिया है 20 किलोमीटर की ट्रिप। अगर अपन वही लेके जाते हैं तो अपने को भी सेम प्राइस मिलता है, और एक कार वाले को भी आप देखेंगे तो 20 किलोमीटर को 280 रुपये दे रहा है। और ये भी आदमी क्या है, क्या है मुझे पता नहीं, मतलब क्या इसको दिमाग है या नहीं है। इसने नई गाड़ी निकाली है और ऊबर में लगाई है, और वो भी CNG है। CNG का प्राइस तकरीबन 100 रुपये के 110 रुपये है, और डीज़ल का प्राइस 91 रुपीज़ है। और CNG में आपको तकरीबन फुल टैंक भी करेंगे तो दोस्तों 6 लीटर का गैस है, 6 लीटर में टैंक फुल हो जाती है। 6 लीटर, चलिए समझ लीजिए 8 किलो, 8 किलो या 10 किलो, लास्ट 10 किलो दोस्तों, इससे बड़ी तो टाकी कोसी भी नहीं आती है। पर 10 किलो की टाकी, और जिसका CNG का प्राइस जो है दोस्तों 110 रुपये, और उसके वास्ते लाइन भी लगनी पड़ती है, और अगर आप डीजल ले लेंगे तो 91 रुपीज़ है। और ये आदमी क्या सोच के क्या करके निकाला है मुझे पता नहीं है। नई गाड़ी निकाला है, कार निकाला है, और देखिए आप, ज़रा दिखाता हूँ आपको मैं नई गाड़ी। से अभी बात हुई थी और उसके वो प्राइस बता रहा था, तो 20 किलोमीटर को उसको 280 रुपये मिल रहे हैं दोस्तों। तो उसको कोई बोले कहते दो तीन ड्राइवर, अच्छा है मैं रोज के 2000 रुपये कमा रहा हूँ, 3000 रुपये कमा रहा हूँ बल्कि। तो ये आदमी गाड़ी निकाला है, और उबर में अभी देखा मैं उसके 3 सवारियाँ कंप्लीट हुए हैं, और तकरीबन 60 किलोमीटर फिराए दोस्तों, तो 900 रुपये कमाए उसने। तो आज आपको उसका दिखाता हूँ, ज़रा देखिए कितने, मतलब दुनिया में भोले लोग भी कितने लोग हैं, ज़रा वो भी देख लीजिए आप। इधर बंडी एंड तलो पड़ी था ना एंता तुम्बे नरा खैरताबाद वा खैरताबाद 09 09 शिक्षाबाद 10 लाख की गाड़ी। देखिए साहब 10 लाख की गाड़ी, यदि गैस कैसे एंत वस्तु ना पदी हाँ 10 किलो आता है इसमें, 7 किलो, 7 किलो का गैस की टाकी। के समझ नहीं आया मेरे को, हैरान हो गया मैं। चलो वो धंधे के टाइम में तो वो टाइम में होगा कारोबार बोल के तो नई नई गाड़ियाँ निकाले हम, पर अब तुम कैसा निकाले मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ है तुम्हारा फ़ोन ज़रा बताओ। देखो साहब एक कार वाले को कितना दे रहा उबर वाला, देखिए 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर गाड़ी से चलाए साहब, और उनका जो है पेमेंट है देखो 280 रुपये। एक ऑटो वाले के सेम दिया है, ये देखिए साहब 20 किलोमीटर ऊपर पल्ली, कहाँ से लेके आना, हफीज पेट से ऊपर पल्ली को लेके 20 किलोमीटर, 290 का बिल हुआ है, और इनको 280 रुपये मिल गए। और साहब करे कितने सुबह रहे, 8 बजे से निकले कते, ये देखिए 3 ट्रिपा करे, 900 रुपये कमा के बैठे। दो भी उसको माइनस में गए, क्या माइनस में, उसको जो पेमेंट था ना, हाँ उसमें गए 2 ट्रिप के पैसे, खाली यही 3 ट्रिप के पैसे मेरे को मिले। मैं भाई की हिम्मत ही बोलता हूँ भाई, जो भाई ये टाइम में नई गाड़ी निकाले। मैं समझा तुम इधर के कहीं वो ये होंगे, समझा मैं ड्राइवर होंगे तो मैं वो इंटरेस्ट नहीं लिया, समझा मैं ड्राइवर है क्या तो इंक्वायरी कर रहे होंगे बोल के, मेरे को नहीं मालूम तुम उबर में ओला में चला रहे बोल के। PR नंबर का प्रॉब्लम नहीं है, ज़रा टाइम कर लेके देख लो। रैपिडो में आप अच्छा दे रहा, 0 कमीशन है रैपिडो पे, पैसे भी ज़्यादा दे रहा उबर वाला, क्या उतना नहीं है इंसेंटिव का तो कोई चक्कर नहीं है ना, कोसा भी कर लो कारोबार बस मिल जाते 3000, पर टेंशन है तेरा। हमारे साहब की गाड़ी ये देखो साहब, 7 किलो की गैस की टाकी है हमारे साहब की गाड़ी की, मारुति है साहब, हमारे ड्राइवर ये है ले दे। तो चलिए दोस्तों समझ गए होंगे आप, तो वीडियो देखिए सब्सक्राइब करिए दोस्तों, धन्यवाद। और
उसका एक कारोबार दोस्तों, सेम इसमें ही करता हूँ मैं, ये ऑटो में करता हूँ। तकरीबन अगर आप मेहनत आप करेंगे 12-15 घंटे तो 2000 कहीं पे नहीं गए। और सेम गाड़ी कार वाली और ये ऑटो वाली में कुछ भी फ़र्क नहीं है, आमदनी सेम है।